तो छत्तीसगढ़ में 15 वर्ष सुधी सत्ता थी बाहर रहेली कांग्रेस लोकोनो विश्वास जीतवा माटे कई पण करी शकवा तैयार छे। बुधवारे कांग्रेस ना नेताओं गंगाजल हाथ में लईने सौगंध पूर्वक कह्युं के छत्तीसगढ़ में जेवी कांग्रेस की सरकार बनशे तेना 10 दिवस नी अंदर ज खेडूतोनुं करज माफ करी देवामां आवशे। तो जोईए राजकारण में गंगाजल ना वपराशनो आ अहेवाल। पांच राज्यों की विधानसभा की चूंटनी एक बाद एक योजावानी छे, जेमा छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में 18 सीटों पर गत 12 नवम्बरे मतदान पर थई गयु छे। हवे बाकी 72 सीटों पर 20 नवम्बरे मतदान हाथ धराशे। त्यारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी ना प्रभारी आरपीएन सिंहे बस्तर में राजीव भवन में एक प्रेस कॉन्फरेंस नु आयोजन कर्यु, जेमा प्रभारी आरपीएन सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा अने जयवीर शेरगीर सहित कांग्रेस ना नेताओं हाथ में गंगाजल लईने सत्ता में आव्याना 10 दिवस नी अंदर खेडूत ना देवा माफ करवाना सोगंद खाधा छे। आरपीएन सिंह गंगाजल हाथ में लईने कह्युं के सत्ता में आव्याना 10 दिवस नी अंदर खेडूताना देवा माफ करी देशुं। हमारी सरकार अगर आएगी तो 10 दिनों के अंदर किसान का लोन माफ करेगी। आज उस चीज को दोहराने के लिए मैं आपके सामने गंगा जल की सौगंध खाता हूं। आप लोग भी उठाइए कि 10 दिनों के अंदर किसान का ऋण लोन माफ करने का काम कांग्रेस पार्टी वादा करती है, गंगा मैया का कसम खाके कि किसानों का ये देख लीजिए सर, आप देख लीजिए, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है सर। वर्ष 1978 में एक फिल्म आवी हती जेनु नाम हतु गंगा की सोगंध। हवे 2018 में गंगा ना नामे कांग्रेसे सोगंध खाधा छे, केम के कांग्रेस ने हवे सोगंध खाईने ज दरेक वात जनता ने कहेवी पड़े तेवी स्थिति में ते मुकाई छे। एटले कांग्रेस ना प्रभारीए मीडिया सामे सोगंध खाधा अने बीजा नेताओए पण आ सोगंध दोहराव्या। एटलू ज नहीं, आरपीएन सिंहे ए वातनो पण हुंकार भर्यो के कांग्रेस ना अध्यक्ष राहुल गांधी जे कहे ते करी बतावे छे। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज तक इस देश के सामने जो भी वादे किए हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा करने का भी दम रखते हैं। जेम जेम चूंटनी नजीक आवे छे तेम तेम भाजप थी स्पर्धा में आगळ निकळवा कांग्रेस एडी चोटी नु जोर लगावती छे। खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हिंदू विरोधी छबी भूसवा भारत भर ना प्रतिष्ठित मंदिरों में दर्शन करवा चाले जाए छे। ए पछी उज्जैन होय, जबलपुर होय के ओमकारेश्वर होय के गुजरात नु सोमनाथ मंदिर होय, परंतु शू पूजा पाठ अने गंगा नी सोगंध थी मतदारो आ नेताओ पर भरोसो मुकशे? राजनाथ तो कांग्रेस नी विश्वसनीयता पर ज सवाल उठावे छे। छत्तीसगढ़ ही नहीं, सारे देश भर में देखिए कांग्रेस पार्टी और सारी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां इसमें विश्वसनीयता के संकट से जूझ रही है। हमें छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर 72 सीटों माटे मतदान थवानुं छे। ए पहला आ गंगा नो दाव, जो कि 11 डिसेम्बरे खबर पड़ी जशे कि आ दाव केटलो चाल्यो अने केवो चाल्यो। जो कि हवे बीजा कोई नेता गायनी सोगंध खाई शके छे, શું આ પ્રકારના સોગંદ ખાવા એ વાતની પુષ્ટિ નથી કરતું કે નેતાઓના વચનો પરથી લોકોનો ભરોસો ઉઠી રહ્યો છે? તેમના ઘોષણાપત્રો કાગળના રદ્દીના ટુકડાથી વિશેષ કશું નથી। છત્તીસગઢ માટે કોંગ્રેસે આવા 36 જેટલા વચનો આપ્યા છે, પરંતુ વચનો પર ભરોસો અપાવવા માટે ગંગાની સોગંદ ખાવી પડે તો સ્પષ્ટ છે કે કોંગ્રેસને એ ભરોસો નથી કે જનતાને તેમના પર ભરોસો છે। सवाल कांग्रेसનો નથી, સવાલ ઘોષણાપત્રનો છે, કેમ કે લોકોને લાગે છે કે રાજકીય પક્ષો માટે ઘોષણાપત્ર એ માત્ર પબ્લિસિટી સ્ટંટ છે। સાચું એ છે કે ઘોષણાપત્ર મજાક બની ગયા છે, જેમાં વચનો હાજ છે પરંતુ તેને પૂરા કરવાની કોઈ ખાતરી નથી હોતી। આ માટે જ 2013 માં સુપ્રીમ કોર્ટે કહેવું પડ્યું કે કોઈ પણ પક્ષો એવા વચનો ન આપે જે પૂરા ન કરી શકાય। દરેક પક્ષો ચૂંટણી ઢંઢેરા પત્ર એટલે કે ઘોષણા પત્રને મજાક કેમ સમજે છે? કારણ જનતા છે।
જનતા જ તેમને આવું કરવા પ્રેરે છે કેમ કે જનતા ક્યારેય કોઈ પાર્ટીનો મેનિફેસ્ટો વાંચતી નથી કે તેમાં આપેલા વચન પાછળ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન લગાવીને કોઈ નેતાને તે સવાલ રૂપે પૂછતી નથી જનતા નેતાઓના વચનો સામે સવાલ કરતી થાય તે જ સમયની જરૂરિયાત છે જયેશ અલગોતર સાથે પ્યોર રિપોર્ટ વીટીવી ન્યૂઝ